डबिंग के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस क्षेत्र को अपना करियर बनाना चाहते हैं डबिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली बात आपको तीन ऑप्शन भाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है आप कहीं से ट्रेन हो जाइए प्रॉपर। दूसरा ऑप्शन है आप घर में ही डबिंग के बारे में जानिए, डबिंग के बुक्स यूट्यूब पर गूगल पर छानबीन कीजिए, पता कीजिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि डबिंग इंडस्ट्री में एक चीज कहा जाता है जिसे कहते हैं क्राउड डबिंग, जो एम्बियंस भी कहा जाता है। आप पता कीजिए कि कहां क्राउड डबिंग होती है। क्राउड डबिंग में 8-10 वॉइस एक्टर्स एक माइक के नीचे खड़े रहकर मार्केट, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, रेस्टोरेंट, ऐसे सारे चीजों में बहुत सारे आवाजें आती है, वो सीखने को मिलता है और वो पेड होता है। ये तीनों ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहला ऑप्शन आप लोग को दिया था कि आप कहीं से ट्रेन हो जाइए, अगर आप कहीं से ट्रेन होते हैं तो ट्रेन जो इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट देखकर यूं ही ज्वाइन मत कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं। उनके एक्स स्टूडेंटों से बातचीत कीजिए, पता कीजिए किस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपको पता कीजिए। ट्रेनिंग देने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, आपको 10 जगह भेज रहे हैं, आपको ऑडिशंस पे भेज रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके वॉइस सैंपल्स बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें जानने के बाद आप वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात ऑप्शन टू, ऑडिशंस पे आप जाते हो, आप ऑडिशंस पे जाते रहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो जाते रहिए, फर्स्ट टाइम आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप दूसरे स्टूडियो जाइए, आप दूसरे टाइम रिजेक्ट हो जाएंगे, आप तीसरे स्टूडियो जाइए। ऐसे जा जाकर या तो आप यू विल गिव अप और यू विल नेवर एवर गिव अप। आपके पैशन को आप जितने नजदीक से प्यार करोगे, इज्जत करोगे, पूजा करोगे, वो पैशन आपको वहां ले जाएगा। कोई भी स्टूडियो में जाइए, वहां पे जहां डबिंग चल रहा है घंटों घंटों बैठ के ऑब्जर्व कीजिए, साउंड रिकॉर्डर से पूछिए, डबिंग एक्टर्स वॉइस एक्टर्स लोगों से सलाह मशवरा कीजिए, एक बुक और पेंसिल लेकर नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मैंने कहा था क्राउड डबिंग। क्राउड डबिंग में आपको 1-2 लाइनर्स दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है बोलने का, काफी चीजें आप सीखते हो और आप उसके बाद आपको पे भी किया जाता है। सबसे पहली बात दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फील्ड में उतरने से पहले उस फील्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो वो एक एडवांटेज है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। लेकिन आवाज अच्छी रहने से अगर आपका स्पीड सही नहीं है, आप फंबल मार रहे हो, आपका टाइमिंग सही नहीं है, आपका प्रोनंसिएशन सही नहीं है, आपका डिक्शन सही नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। उस वक्त आप नर्वस हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, आप रात में सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जोर जोर से किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक कीजिए, जॉग कीजिए, अपने गले का ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने पैशन के नजदीक रहे, बुक्स पढ़िए। और ज्यादा जानकारी के लिए एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर्स डबिंग ग्रुप को संपर्क भी कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस टाइम, मे गॉड ब्लेस यू।